के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी ले लिया। आई बिलीव वी शुड गो। हाँ और पता नहीं कहाँ रह गई है यार, मैं इसको जरा फोन तो करूँ। आ जाएगी, इस बात की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, बाबा की कॉल आ रही है। जी बाबा, सलाम अलैकुम। सॉरी बाबा, लंच के बाद मैं ऑफिस नहीं आ सका। एक्चुअली मैं शॉपिंग मॉल आया हूँ सबा के साथ। अलीना का? हाँ अलीना मेरे साथ ही है। तुम्हारे साथ है? बात करा जरा मैं। एक्चुअली डैड, हम अलग अलग जगहों पे शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही है। अगर आपको उससे बात करनी है आप कॉल कर लें। हेलो, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? आई डोंट थिंक सो यार, इमरजेंसी आ गई है। चलो। मुझे डर है कहीं राहिल घर छोड़कर ना चला जाए। अगर वो अपनी मनमानी करना चाहता है तो बेशक चला जाए। नाफरमान औलाद के लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। आपका गुस्सा ना सब बिगाड़ देगा। बिगड़ तुम्हारा बेटा गया है, जो सिर्फ एक लड़की की वजह से बाप के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि राहिल आपका नाफरमान नहीं है, उसने कभी आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। ये तो समी और उसकी बेटी का किया धरा है, उन्होंने बरगलाया राहिल को। हाँ, तुम्हारा बेटा तो छोटा सा बच्चा है ना, तो उसे कोई भी कुछ कहेगा और वो आंखें बंद करके फॉलो करने लग जाएगा। अगर वो घर छोड़कर चला गया तो चला जाए, मुझे हरगिज कोई परवाह नहीं है। भाड़ में जाए ऐसी औलाद जो माँ बाप की इज्जत नहीं करना जानती हो। अरे शौकत,